आजकल एक बात बहुत कही जा रही सामयिक है जिसको हम बताएंगे, जिहाद। लेकिन जिहाद है क्या, उसको हमारे हिंदू भाई जाने कि जिहाद है क्या। परमेश्वर ने मानवता का संदेश देने के लिए पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। आपने जिस समय मक्का में सत्य का संदेश देना शुरू किया, उस समय मक्का में कुरैश सत्ता ताकत और धन के नशे में चूर थे, घमंड में चूर थे। और घमंड क्या करता है, घमंड बुद्धि और विवेक को नष्ट कर देता है। और जब बुद्धि और विवेक नष्ट हो जाता है तो अच्छाई बुराई सत्य और असत्य में भेद करने की क्षमता खत्म हो जाती है। मनुष्य नहीं समझ पाता कि क्या अच्छा क्या बुरा है, क्या सत्य है क्या असत्य है। तो उस समय जो कुरैश थे वो घमंड में थे, तो वो अच्छाई बुराई सत्य सत्य समझ नहीं पाए, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के संदेश को समझ नहीं पाए और उनके आपके विरोधी हो गए। तरह तरह से सताना शुरू किया, आपके ऊपर पत्थर फेंके, कूड़ा फेंका, आपकी जान लेने की कोशिश की, तरह तरह से अपमानित किया। आपके साथी आपके सहयोगियों यानी मुसलमानों को उस समय अरब की तपती रेत पर भूखा प्यासा नंगा करके लिटाया। और ये सारा का सारा अत्याचार साल दो साल नहीं कई साल तक चलता रहा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार सब्र करते रहे। लेकिन सब्र की भी सीमा होती है, जब सीमा टूट जाती है तब युद्ध एक आवश्यकता बन जाती है। और उस युद्ध को युद्ध नहीं कहा जाता, उस युद्ध को धर्मयुद्ध कहा जाता है। वही है जिहाद, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में परमेश्वर का संदेश है, अथ चेत त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापं अवाप्स्यसि। अय अर्जुन, यदि तू इस धर्मयुद्ध को नहीं करेगा तो अपने यश अपने नाम और अपने धर्म दोनों को खोकर तू पाप को प्राप्त होगा। हतो वा प्राप्से स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महिम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। या तो तू इस युद्ध में इस धर्म युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को जाएगा, अथवा जीतकर तू इस पृथ्वी का राज भोगेगा। इसलिए ए अर्जुन, युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। ठीक इसी तरीके से जब तमाम अत्याचार बढ़ते रहे तो अल्लाह की ओर से संदेश आया, कुरान मजीद के सूरा 22 आयत 39 में, कि जिन मुसलमानों से खामखा लड़ाई की जाती है उनको इजाजत है कि वे भी लड़ें क्योंकि उनके साथ जुल्म हो रहा है। लेकिन साथ ही देखिए विशेषता आप देख लीजिए, इसमें एक बहुत बड़ी विशेषता है। साथ ही सूरा 2 आयत 190 में हिदायत भी आई कि जो लोग तुमसे लड़ते हैं तुम भी खुदा की राह में उनसे लड़ो, मगर जाति न करना कि खुदा जाति करने वालों को दोस्त नहीं रखता। बचाव करो लेकिन बचाव में भी जाति नहीं होनी चाहिए। यह है कुरान मजीद, यह है इस्लाम, और ऐसे यही है जिहाद। अन्याय आतंक अन्याय अत्याचार और आतंकवाद के विरोध के लिए किया गया प्रयास ही जिहाद है। फिर से मैं बता दूं, अन्याय अत्याचार और आतंकवाद के विरोध में किया जाने वाला प्रयास जद्दोजहद ही जिहाद है। और ऐसे पवित्र शब्द को, ऐसे धर्मयुद्ध को आप आतंकवाद से जोड़ते हैं। मीडिया को शर्मानी चाहिए और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं उनको भी शर्मानी चाहिए।